अखबार के अंदर आपने अधिकतर ऐसे विज्ञापनों को देखा होगा जिन विज्ञापनों में ये कहा जाता है कि आपके बच्चे की सरकारी नौकरी गारंटेड लग जाएगी, या फिर आपके बच्चे को एयरफोर्स या नेवी में गारंटेड भर्ती करवा दिया जाएगा। लेकिन ऐसे विज्ञापन से अब आपको सावधान हो जाना चाहिए। हम ये बात क्यों कह रहे हैं, ये आपको हम बताते हैं आरटी एक्टिविस्ट तरुण अग्रवाल से। क्योंकि जब आरटी एक्टिविस्ट तरुण अग्रवाल ने इस तरीके के विज्ञापन को देखा तो उनको लगा कि ये पूरी तरीके से देश में युवाओं को भड़काने और झूठा बताने वाला विज्ञापन है, और इसीलिए तरुण अग्रवाल से हम बातचीत कर रहे हैं। ये जो विज्ञापन हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इसको आप गौर से देखिए। इस विज्ञापन को ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़िए। इसमें कुछ बच्चों की तस्वीरें भी लगी हुई है, और ये टैगोर संस्थान है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है कुचामन का, उसका ये पूरा मामला है। तरुण जी, ये बताइए मुझे कि इस तरीके से अखबार के अंदर भ्रामक विज्ञापन, झूठे विज्ञापन आते हैं जिसमें कहा जाता है कि आपके बच्चे की गारंटेड डिफेंस के अंदर नौकरी लगा दी जाएगी या किसी रेलवे के अंदर लगा दी जाएगी, ये पूरा मामला क्या है, झूठा है, और उसके बाद आपने क्या किया इसको देखकर? जी, जैसा कि आप विजुअल में भी अपने दिखा रहे हैं इसमें, तो ये कुचामन टैगोर कॉलेज है जो ये कोचिंग सेंटर है, इन्होंने एक विज्ञापन दिया मई 2019 के अंदर, एक लोकल न्यूज़पेपर के अंदर फुल पेज विज्ञापन दिया। उसमें ये लिखते हैं कि गारंटेड और नॉन गारंटेड बैच, मतलब बैच में भी आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि ये वाला बैच अगर आप ज्वाइन करेंगे तो गारंटेड आपकी नेवी में नौकरी लग जाएगी और इसमें नहीं लगेगी, ये आपके ऊपर है। दूसरा वो लिखते हैं कि देश में सर्वाधिक सिलेक्शन देने का रिकॉर्ड बरकरार। तो मैंने कहा कि ये नौकरी कैसे लगा सकता है सरकारी नौकरी का कोई व्यक्ति या संस्था, किसी के दिमाग की गारंटी ले सकता है? आज मैं 5 लाख रुपए देके कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लेता हूँ तो क्या मेरा सिलेक्शन कर देगा वो? मैं कुछ लिख के ही नहीं आऊँगा तो मेरे दिमाग की गारंटी कोई? ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में घूमते हुए इसकी मैंने कंप्लेंट करी विज्ञापन परिषद के अंदर, जो मुंबई में इसका मुख्यालय हुआ करता है, वहाँ पर इनको नोटिस जारी हुआ कि आप इस पर अपना जवाब दें कि आपके पास क्या रिकॉर्ड है ऐसा कि आप गारंटेड नौकरी लगा देते हैं, ऐसी क्या क्षमताएँ हैं आप में, और दूसरा आपके पास जो सर्वाधिक सिलेक्शन देने का रिकॉर्ड बरकरार है अभी तक कब से है क्या है, वो सारे रिकॉर्ड उनसे तलब किया गया। लेकिन ना तो इन्होंने वहाँ जवाब दिया और ना वो वहाँ उपस्थित हुए, क्योंकि मैं मानता हूँ कि ऐसा कुछ होगा ही नहीं शायद, तो ना हुए। तो विज्ञापन परिषद ने ये माना कि ये सर्वथा ही भ्रामक विज्ञापन है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका गारंटेड वाला बैच और आपको ही वहाँ स्टूडेंट की आपके यहाँ नौकरी लगा दे कि हम नौकरी लगाते हैं। नौकरी लगाने ये तो एक तरह से चीटिंग भी है, धोखा भी है, और भ्रामक विज्ञापन तो है ही है। तो ये सब कुछ मानते हुए उन्होंने इनको ऑर्डर किया कि आप अपना विज्ञापन जो है 19 जुलाई तक की इनको तारीख दी थी कि 19 जुलाई से पहले इसको मॉडिफाई कर लें या विड्रॉ कर लें, तो ये ऑर्डर जारी किया। तरुण जी, अभी हम इनकी वेबसाइट दिखा रहे हैं, उसके ऊपर भी ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर एज इट इज़ दिखाई दे रही है। क्या ये विज्ञापन जो है ये लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा दर्शाता है, उनको ये महसूस कराता है कि वाकई हाँ उनके बच्चे की नौकरी एयरफोर्स में लग सकती है, डिफेंस में लग सकती है, रेलवे में लग सकती है? और ये जो फीस लेते हैं, वो फीस का बजट कुछ आइडिया है आपको, कितनी फीस लेते होंगे ये? देखिए, इसमें जरूर बिल्कुल इसमें भ्रामक होते हैं। आज अगर हम इतना बड़ा विज्ञापन देखेंगे अखबार के अंदर और गारंटेड बैच, तो कहीं ना दिमाग में आएगा अभिभावक के कि यहाँ मेरे बेटे को अगर मैं कराता हूँ, चाहे वो फीस लाखों में भी होगी अगर कोचिंग की, तो भी मैं दूंगा, क्योंकि इसका भविष्य इस कोचिंग सेंटर पर सुरक्षित है कि इसकी नौकरी लग जाएगी, मेरा बेटा सेट हो जाएगा। लेकिन जब हम देखते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पर, सिर्फ ये भ्रामक ही विज्ञापन है, तो कितने लोगों के साथ चीटिंग हो रही है और ये हो रहा है, और ज़रूर यहाँ पर लाखों रुपये की फीस होती है इस तरह के, क्योंकि ये भ्रामक विज्ञापन देते हैं, गुमराह करते हैं, उसके नाम से फिर लाखों रुपये की फीस लेते हैं। तो ये निश्चित रूप से ये गलत विज्ञापन है, ऐसा संभव ही नहीं होता, हो सकता है। तो ये जो आप देख रहे हैं, जो हम आपको खबर दिखा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि अखबार के अंदर ऐसे तमाम बहुत बड़े बड़े फुल पेज के विज्ञापन आते हैं जिसमें यह कहा जाता है कि आपके बच्चे की सरकारी नौकरी गारंटेड लगवा दी जाएगी। तो इसीलिए एनडीटीवी इंडिया आपसे ये अपील करता है कि अब से जब भी ऐसे विज्ञापनों को आप देखें, ऐसी वेबसाइट्स को अगर आप देखें, तो उससे पहले उसकी जाँच पड़ताल कर रहे, क्योंकि आपके बच्चे की कोई भी गारंटेड सरकारी नौकरी नहीं लगा सकता। कैमरा पर्सन राजवीर के साथ सुशील पाल, एनडीटीवी इंडिया, अजमेर।